अंकिता मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग नेक्स्ट नाइन लाइफ। जया बच्चन के बारे में तो आपने अक्सर सुना होगा कि जया बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय बच्चन की आपस में नहीं पड़ती है, इनका झगड़ा होता है। ये भी सुना होगा कि कैसे ऐश्वर्या राय बच्चन जया बच्चन की वजह से कॉन्ट्रोवर्सी में भी आई हैं, और साथ ही कई इवेंट्स में ऐश्वर्या और जया जब एक साथ नजर आते हैं तो कुछ हरकतों से जया बच्चन की ऐश्वर्या काफी ज्यादा असहज भी हो जाती है। लेकिन आज ऐश्वर्या राय बच्चन की कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बताएंगे कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बच्चन फैमिली को पसंद नहीं आती हैं, और ऐश्वर्या की कौन कौन सी हरकत जया बच्चन तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। उसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। एक वक्त था जब पनामा पेपर लीक मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस और बच्चन खानदान की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन पर मुसीबत फंस चुकी थी, और एक्ट्रेस को ईडी ने नोटिस भेज करके दिल्ली में तलब करने के लिए भी बुलाया था। ऐश्वर्या राय बच्चन को इस मामले में दो बार पहले भी बुलाया गया था, लेकिन दोनों बार नोटिस को कैंसिल करने की गुजारिश की गई थी। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले भी ऐश्वर्या राय कई विवादों में फंस चुकी हैं। उनकी जिंदगी से जुड़े पांच ऐसे विवाद हैं जो आज भी चर्चाओं में रहते हैं, जिसमें से बच्चन परिवार को कुछ ऐसे विवाद पसंद नहीं है जिससे उनके परिवार की इमेज खराब होती है। बता दें इसमें से एक विवाद सलमान खान के साथ का है। एक वक्त था जब सलमान खान के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन का रिलेशनशिप था। दोनों की लव स्टोरी किसी से भी नहीं छुपी है। कभी सलमान खान और ऐश्वर्या बी टाउन के फेवरेट कपल्स में से एक माने जाते थे। सलमान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी का बेहद दुखद अंत भी हुआ था। ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या ने सलमान पर मारपीट का गंभीर आरोप भी लगाया। आज भी दोनों की लव स्टोरी खूब चर्चाएं बटोरती हैं। खास बात यह है कि अब कई इवेंट्स में सलमान और ऐश्वर्या एक दूसरे को इग्नोर करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं ना तो फिल्मों में ये दोनों एक साथ दिखाई देते हैं और ना ही किसी स्टेज पर इन्हें लंबे वक्त से देखा गया है। खास बात यह है कि जब से ऐश्वर्या और सलमान का ब्रेकअप हुआ और जब से अभिषेक के साथ ऐश्वर्या ने शादी की, लंबे वक्त से दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर किया है। लेकिन आज भी चर्चाएं ये की जाती हैं कि ऐश्वर्या को काफ़ी ज़्यादा सलमान पसंद करते हैं। वेल, बात करें दूसरे रिलेशनशिप की तो विवेक ओबेरॉय के साथ ऐश्वर्या का नाम जुड़ा था। सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन एक्टर विवेक ओबेरॉय के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। इसके बाद विवेक और सलमान के बीच में काफ़ी दूरियां भी पनप गई थी। बताया ये जाता है कि ऐश्वर्या की वजह से सलमान और विवेक ओबेरॉय के बीच में दुश्मनी भी हो गई, जिसकी वजह से विवेक का फिल्मी करियर पूरी तरीके से खत्म हो गया। इसका जिक्र हाल में ही विवेक ओबेरॉय ने किया था। विवेक ओबेरॉय ने हाल में ही बिना नाम लिए ऐश्वर्या राय बच्चन पर तंज भी कसा था और साथ ही अपने रिलेशनशिप पर अपना दुख भी छलकाया था। वेल, बात करें ऐश्वर्या के रिलेशनशिप्स की तो सुभाष घई के साथ भी इनका नाम जोड़ा गया था, जो कि बच्चन परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आपको बता दें कि राइटर रीना गोलन ने डियर मिस्टर बॉलीवुड के नाम से एक किताब लिखी थी। इसमें उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन का एक विवादित किस्सा भी लिखा। रीना ने कहा कि यह फिल्म ताल में रोल पाने के लिए एक्ट्रेस ने सुभाष घई के साथ रिलेशन बनाया था। ये किस्सा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था और साथ ही बच्चन परिवार को इस किस्से को सुनने के बाद धक्का भी लगा था। बच्चन परिवार को अपनी बहू से इस तरीके की उम्मीद नहीं थी। साथ ही बता दें कि फिल्म धूम 2 में भी कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर के बच्चन परिवार ने ऐश्वर्या पर खूब नाराजगी जाहिर की थी। फिल्म धूम 2 में ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक्टर ऋतिक रोशन के साथ लिप सीन भी किया था। फिल्म में ऐश का ऋतिक से किस करना बच्चन फैमिली को बिल्कुल भी राज नहीं आया, और एक्ट्रेस जया बच्चन ने काफ़ी ज़्यादा ऐश्वर्या पर गुस्सा जाहिर किया था। इतना ही नहीं, लंबे वक्त बाद जब ऐश्वर्या फिल्मों में दोबारा वापसी करके आई तो ऐ दिल है मुश्किल में उन्होंने रणबीर कपूर के साथ काम किया। इसमें अनुष्का शर्मा भी नजर आई थी। इस फिल्म में ऐश ने रणबीर के साथ इंटीमेट सीन भी किए थे। इंटीमेट सीन्स और किसिंग सीन्स को करने के बाद भी जया बच्चन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आई थी। ऐश्वर्या की वो कंट्रोवर्सी भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या राय बच्चन पर कई और ऐसे विवाद हैं जो सुर्खियों में नहीं आए हैं। बता दें कि लंबे वक्त से ऐश्वर्या राय बच्चन और
उनकी सास जया बच्चन के बीच में कई झड़प देखने के लिए मिली, जिसमें ये कहा जा रहा था कि दोनों के बीच में तकरार शुरू हो चुका है। आपको बताते चले कि लंबे वक्त से विवादों में रहने की वजह से ऐश्वर्या फिल्मों में भी कम नजर आ रही हैं। साथ ही फिल्मों से जुड़ा एक और ऐसा किस्सा है जिसको जानने के बाद आप सभी हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये किस्सा करिश्मा कपूर से जुड़ा हुआ है। दरअसल दावा ये किया जाता है कि बच्चन फैमिली को अपने बहू का फिल्मों में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यही वजह है कि करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन का रिश्ता टूट गया। आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर लंबे वक्त से रिलेशनशिप में थे और अमिताभ बच्चन ने अपने 60वें जन्मदिन पर दोनों की सगाई के चर्चे भी किए थे। सगाई अनाउंस करने के बाद भी करिश्मा कपूर की माँ बबीता का कहना था कि अभिषेक बच्चन अपने पिता अमिताभ बच्चन के जैसा करियर नहीं खड़ा कर पाएंगे। वेल, उनकी बात भी सही निकली। और साथ ही कहा यह जाता है कि जया बच्चन को अपनी बहू का फिल्मों में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जबकि करिश्मा उस वक्त फिल्मों में काम कर रही थी और एक स्टार भी बन चुकी थी। वहीं अभिषेक बच्चन फिल्मों में डेब्यू तक नहीं कर पाए थे। यही वजह है कि ये रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया और ना तो सगाई हुई और ना ही शादी तक बात पहुंची। कहा यह जाता है कि खुद करिश्मा कपूर ने इस रिश्ते को तोड़ा था। हालांकि करिश्मा कपूर ने जिससे शादी की उसके साथ भी करिश्मा का रिश्ता नहीं चल पाया। वहीं अगर बात करें ऐश्वर्या की, तो ऐश्वर्या शादी के बाद से भी काम करती हैं। ऐश्वर्या ने शादी के बाद भी कई फिल्में की हैं, हालांकि वो फिल्मों में ज़्यादा सक्रिय नहीं नज़र आती हैं और ना ही सोशल मीडिया पर वो इतनी सक्रियता दिखाती हैं। बता दें हाल में ही ऐश्वर्या राय बच्चन का जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया गया था, जहां वो अपनी माँ और अपनी बेटी के साथ मौजूद थी। साथ ही ऐश्वर्या राय के परिवार से कोई भी सदस्य सामने नहीं आया, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए कि परिवार के बीच में दूरियां काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं और बहू के जन्मदिन पर भी विश नहीं करना चाहती हैं। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में, ये वो चीजें थी जो अक्सर ऐश्वर्या राय के नाम के साथ जोड़ी जाती हैं। ये वो कॉन्ट्रोवर्सियां थी जिसमें ऐश्वर्या का जब भी नाम सामने आता है तो बच्चन फैमिली का जिक्र खास तौर पर किया जाता है। अब देखना ये है कि आगे बच्चन फैमिली के जो रिश्ते हैं वो किस तरीके से सुधरते हैं और इनके रिश्तों में जो कड़वाहट इस वक्त घुल चुकी है, जो कि सोशल मीडिया पर साफ नजर आ रहा है, इस कड़वाहट में आखिर मिठास कब भूलेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहें नेक्स्ट टाइम लाइव।